एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ यह है कि अब आप लोग को MIUI की अपडेट देखने को नहीं मिलेगा आपके फ़ोन में। अगर MIUI 14 है तो MIUI 14 मिल जाएगा, अब आप लोग को MIUI 14 से 15 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। पर Xiaomi ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि Xiaomi का जो हाइपर OS है, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमें देखने को मिलने वाला है। और अगर आप लोग भी अपने इसे फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ कि इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे इंस्टॉल करने के लिए आप लोग रूट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या आप जानते हो कि Xiaomi का जो MIUI है, MIUI वो अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब आप लोगों को MIUI 15 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट अपडेट हमें जो देखने को मिला वो MIUI 14 है, अब MIUI 15 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि Xiaomi ऑफिशियली यहाँ पर कन्फर्म कर चुका है वो अपने फ़ोन में एक न्यू OS को, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है हाइपर OS। और ये ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है और ये हाइपर OS जो है ऑफिशियली Xiaomi 14 सीरीज़ के साथ में लॉन्च होने वाला है। तो Xiaomi 14 सीरीज जो है वो उसी जो रिमोट हमें देखने को मिला वो इसी महीने के एंड तक हमें लॉन्च हो सकता है। तो ऑफिशियली जब Xiaomi 14 लॉन्च होगा उसके साथ में आप लोग को ये हार्मनी OS देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों उसकी कुछ लीक यहाँ पर देखने को मिला है, उससे कुछ एप्लीकेशन को आप लोग अपने फ़ोन में अपडेट करने के बाद जो हार्मनी OS की लुक एंड फील है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके लिए आप लोगों को रूट नहीं करना पड़ेगा। और देख सकते हैं कुछ इस तरह से कंट्रोल आप लोग को देखने को मिलता है लैंडस्केप मोड में। और पोर्ट्रेट मोड में कुछ इस तरह से हमें न्यू इंटरफेस देखने को मिलता है जहाँ पर आप लोगों को ऊपर जो वन UI में हमें UI देखने को मिलता है, कुछ इस तरह की UI को देखने को मिलता है। और आप लोग यहाँ पर परमानेंट देख सकते हैं आप लोगों को जो म्यूजिक कंट्रोल है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये इंटरफेस देखने को मिलता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे तो कुछ इस तरह की UI पेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑटोमेटेड टास्क कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पेज कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, काफ़ी तरह इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ डिटेल वगैरह देखने को मिल जाता है। और सेटिंग में जाते हैं तो कुछ इस तरह के आपको इंटरफेस UI देखने को मिलता है। और बैटरी वाला पेज आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, न्यू इन्फॉर्मेशन आप ऐड किया गया है, कुछ करंट मोड देखने को मिलता है, बैटरी प्रोटेक्शन, बैटरी चेकअप वगैरह देखने को मिल जाता है। तो UI आप लोगों को MIUI की तरह से देखने को मिलता है, पर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को फीचर्स, एक्स्ट्रा लेयर्स यहाँ पर ऐड किया गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और कोई एप्लीकेशन किस तरह से क्या बिहेव कर रहा है उस सब की हिस्ट्री आप लोग कुछ इस तरह यहाँ पर देखने को मिलता है। और हार्मनी OS की मतलब हाइपर OS कि जो फाइल मैनेजर है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और वेदर वाली एप्लीकेशन को आप लोग अपडेट करेंगे तो वेदर की जो UI है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो हर जगह जितने भी एप्लीकेशन है उनको आप लोग अपडेट करेंगे या फिर आप लोग अपने फ़ोन में हाइपर OS को इंस्टॉल करेंगे तो उसकी इंटरफेस कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिलने वाला है। और ये मैसेजिंग एप्लीकेशन UI कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप लोगों को। UI देखने में MIUI की तरह ही लगता है पर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेयर को, एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड किया गया है। गैलरी वाली एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। मेमोरीज वगैरह आप लोग जिससे गूगल फोटोज मेमोरी की सपोर्ट मिलता है उस सेम आप लोगों को MIUI में देखने को मिलता है और यहाँ भी देखने को मिलता है, पर यहाँ पर कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल रहा है। और गैलरी के सेटिंग में जाते हैं तो कुछ इस तरह की आप लोगों को और भी चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाता है और भी आप लोग यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और कैलेंडर आप लोग को इस तरह से देखने को मिलता है, कैलेंडर की UI है, ये अलार्म पेज की UI है, स्टॉप वॉच, ये वॉलपेपर्स वाला सेक्शन जो है कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिलता है जहाँ पर कस्टमाइजेशन वगैरह आप लोग कर सकते हैं, AOD आइकन्स, फॉन्ट्स वगैरह की कस्टमाइजेशन आप लोग कर सकते हैं। तो इन सारे फीचर्स को अगर आप लोग अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं तो ये जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है सिंपली इन सभी एप्लीकेशन की APU आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके फ़ोन में MIUI 14 एंड्रॉइड 13 है तो आपके फ़ोन में ये काम करेगा। अगर आप उससे बिलो में काम नहीं करता या फिर आपके फ़ोन में अगर इंस्टॉल नहीं होता तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके किस फ़ोन में काम कर रहा है और किस फ़ोन में काम नहीं कर रहा है। बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप लोग भी अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोग बगैर रूट की मदद से भी कर सकते हैं और रूट वाले मेथड से भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर देना।